गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अपरिमेय संख्या। चलिए बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब सीधी सीधी बात तो ये कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। फिर भी अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का तरीका क्या है? अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का तरीका है कि जिन संख्याओं के साथ में हम अंडर रूट वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तरीके और भी हैं लेकिन नॉर्मली जो बात है वो यही है कि जिन संख्याओं के साथ में अंडर रूट का निशान होता है उन्हें हम यहाँ पर क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इस तरह जो संख्याएं चलेंगी उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने अंडर रूट 4 को प्रयोग क्यों नहीं किया, तो उसका कारण ये है कि अंडर रूट का मतलब होता है कि हम किसी भी संख्या के क्या करते हैं, टुकड़े। माना मैंने जैसे 4 के टुकड़े किए तो 2 × 4 और 2 × 2। अब यहाँ पर जब मैंने 4 के टुकड़े किए तो अंडर रूट का मतलब होता है टुकड़े करने के बाद में 2-2 की जोड़े बनाना। तो यहाँ पर पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है और इस जोड़े में से यहाँ पर अंडर रूट 4 का जो मान आता है वो आता है 2। तो यहाँ पर जब हम अंडर रूट 4 का सॉल्यूशन करते हैं तो उसका पूरा पूरा जो उत्तर हमारे सामने आएगा वो कहलाता है 2। तो ये जो 2 है वो यहाँ पर कैसी संख्या बन जाती है, परिमेय संख्या। इसलिए अंडर रूट 4 को अपरिमेय संख्या नहीं कहा जा सकता है। फिर अगली बात ये कि यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिनके साथ में अंडर रूट का निशान है, माना जैसे अंडर रूट 3। अब आप ये कहोगे कि अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो चलेगा पॉइंटों में 1.732। तो अंडर रूट 3 का मान पूरा पूरा नहीं होने के कारण अंडर रूट 3 को क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जिन संख्याओं का पूरा पूरा उत्तर ज्ञात नहीं हो पाता उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि जिनके साथ में अंडर रूट का चिन्ह होता है। और जिन संख्याओं के साथ में माना अंडर रूट का चिन्ह है लेकिन अगर उनका पूरा पूरा उत्तर हमें ज्ञात हो जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 4 है, माना अंडर रूट 9 है, क्योंकि अंडर रूट 9 का आंसर भी कितना होता है, 3। ठीक है, ये तो बात हुई परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पता लगाने की। अगला टॉपिक ये है कि यहाँ पर इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे केवल अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ अंडर रूट वाली संख्याएं लिख करके दे रखी है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, जिनको हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि हमें ये तो पता है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इस टॉपिक में आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो उन्हें हम कैसे सिद्ध करेंगे ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में दो टाइप के प्रश्न होते हैं। पहला टाइप तो ये कि जिसमें आपको वो केवल नॉर्मल संख्याओं को सिद्ध करने के लिए कहेगा, माना अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 या अंडर रूट 7। और एक सवाल आपका इस टाइप का आता है जहां पर एक तो वो आपको क्या देता है, अपरिमेय संख्या, और एक आपको इसके साथ में क्या देगा, परिमेय संख्या। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर 4 प्रकार के गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। वो 4 प्रकार के गणितीय चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा या भाग। फॉर एग्जाम्पल के लिए माना था मैंने ये लिख के दे दिया 5 + √2। तो यहाँ पर जो आपको 5 दिख रहा है वो तो कैसी संख्या है, परिमेय, और जो √2 दिख रहा है वो यहाँ पर कैसी संख्या है, परिमेय। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन से गणितीय चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्लस का। तो कहने का मतलब है इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के दो टाइप के प्रश्न हैं। एक तो ऐसा प्रश्न जिसमें नॉर्मल
संख्याओं के साथ में अंडर रूट का प्रयोग किया जाएगा और एक इस टाइप का प्रश्न जहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों साथ चलेंगी। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो केवल इन संख्याओं से संबंधित होगा, यानी कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन या अंडर रूट पांच या अंडर रूट सात, इनमें से कोई सी भी एक संख्या ले सकते हैं आप उदाहरण के तौर पे, और उसको आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है कि वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इन चार संख्याओं में से माना जो संख्या काम में ली है वो ली है अंडर रूट तीन। तो आपका जो प्रश्न आएगा वो किस तरह से आएगा, आपका प्रश्न होगा सिद्ध कीजिए अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों की शुरुआत कैसे क्या करनी है वो देखते हैं। आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इस टाइप से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको हमेशा ऐसे प्रश्नों की शुरुआत ये मान करके करनी है कि वो कैसी संख्या है, परिमेय। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन चालू होता है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको ये बोला कि आपको उसने प्रश्न में जो भी संख्या दे रखी हो या किसी भी टाइप का सवाल है आपको हमेशा उसे क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अगर आपने अंडर रूट तीन को एक परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या किस रूप में चलती है, p बटा q के रूप में, नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग, तो p बटा q के रूप में। अब आपको यहाँ पर परिमेय संख्याओं की विशेषता लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं की जो विशेषता होती है वो होती है जहाँ p व q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर परिमेय संख्याओं की कितनी विशेषता है, दो। पहली विशेषता तो सिंपल सी है, तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। आपने अभी अभी कहा कि परिमेय संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, कहने का मतलब है ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या मानते हैं, p, और नीचे वाली संख्याओं को हम क्या मानते हैं, q। तो यहाँ पर q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। तो पहली विशेषता तो ये कहती है। दूसरी विशेषता क्या कहती है, तो इस पूरे सवाल को सिद्ध करने के लिए आपकी पहली विशेषता ही काम करेगी। तो पहली विशेषता के अनुसार आप ये कह रहे हो कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। तो ये बात आपको ये कहना चाहती है कि आपके पास यहाँ पे दो संख्या है p और q। तो विशेषता के अनुसार तो ये बात लागू होती है कि p और q में केवल और केवल किसका भाग जाता है, एक का। लेकिन हमें यहाँ पर इस बात को अपरिमेय ठहराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बातों को गलत साबित करके दिखाना पड़ेगा। गलत साबित करने का मतलब है संख्याएं तो वही रहेंगी p और q, लेकिन आपको यहाँ पर p और q में किसका भाग देकर के दिखाना पड़ेगा, तीन का। तीन क्या है, तीन वो है जो आपको प्रश्न में संख्या दे रखी है। माना और किसी भी सवाल में जो भी संख्या होगी वो इनके बटे में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक होगा वो यही होगा कि हमारी बात के अनुसार तो p और q में केवल किसका भाग जाता है, एक का। और अगर हमें इस बात को गलत साबित ठहराना है तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि p और q में किसका भाग जाता है, तीन का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, अगर आपने इस संख्या को परिमेय संख्या माना है और परिमेय संख्या p बटा q के रूप में चलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि p बटा q बराबर होगा अंडर रूट तीन के। अंडर रूट तीन के बटे में आप क्या लगा लें, एक। और अब इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा। तो p एकम p और अंडर रूट तीन को अगर हम q से गुणा करेंगे तो अंडर रूट तीन क्यू। तो ऐसा करने पर हमारे पास यहाँ पर कितने पक्ष हो गए, दो, एक तो बराबर के इधर वाला और एक उधर वाला। अब आपको यहां क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि आपको इन दोनों का क्या करके दिखाना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले p का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन गया, p स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन गया, अंडर रूट तीन क्यू का स्क्वायर। तो ऐसा होने पर क्या होगा, p स्क्वायर का तो p स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे अंडर रूट तीन का भी है और q का भी है। स्क्वायर का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर अंडर रूट तीन को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट तीन से। तो जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि अगर दो संख्याएं कैसी हैं, समान, और अगर उनके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह है तो कुल मिलाकर के उसका जो आंसर आता है वो केवल कितना आएगा, तीन। तो कहने का मतलब है अंडर रूट तीन का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा, तीन, और क्यू का स्क्वायर क्या बन गया, क्यू स्क्वायर। आगे आपको ये करना है कि इन दोनों के बीच में आपको किसका निशान दिख रहा है, गुणा का। तो जब ये तीन बाहर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, भाग में, तो p स्क्वायर बटा तीन बराबर q स्क्वायर। तो यहां पर आकर के आपने ये कह दिया कि p स्क्वायर तीन से क्या होगा, विभाजित। तो विभाजित शब्द का मतलब होता है कि भाग जाना, यानी कि p स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, तीन का। तो अगर p स्क्वायर में तीन का भाग जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि p भी क्या होगा, तीन से विभाजित होगा, यानी कि p में भी तीन का भाग जाएगा। तो यहां तक आते आते हमारी एक सही बात को हमने गलत साबित कर दिया है, क्योंकि आपने तो ये कहा था कि p और q में केवल किसका भाग जाता है, एक का, लेकिन यहां पर आते आते आपने ये कह दिया कि p में किसका भाग जा रहा है, तीन का। तो चलिए आपकी एक बात तो गलत हो चुकी है, अब दूसरी बात को लाने के लिए आपको आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो आगे आपको ये करना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा p बराबर तीन। तो p तो क्या है, p तो वो है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, तीन क्या है, तीन वो है जो आपके प्रश्न में संख्या दे रखी है। और अब आपको यहां पर एक अन्य चरपद मानना पड़ेगा, चरपद का मतलब a से लेकर z तक में से कोई सा भी एक चरपद आपको लेना है, a b जो भी आप लेना चाहते हो, मैं फिलहाल यहां पर a ले रहा हूं। तो ये वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी मान, यानी कि ये बात हम यहां पर मानेंगे। और आपने जब इनको वज्र गुणा किया था तो ऐसा करने पर आपको p का मान जो मिला था अंडर रूट तीन क्यू, इसे आपको यहाँ क्या बनाना है, समीकरण, क्योंकि ये बात अब हमारे काम आएगी। तो जैसा कि अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर एक से। तो समीकरण नंबर एक क्या कहता है, समीकरण नंबर एक आपको ये कहता है कि p का मान क्या है, अंडर रूट तीन क्यू। तो जैसा कि आपको यहाँ पर जो p दिख रहा है, इस p के स्थान पर आपको क्या प्रयोग करना है, अंडर रूट तीन क्यू बराबर तीन a। तो वापस आपके पास कितने पक्ष हो गए, दो, एक तो बराबर के इधर वाला पक्ष और एक उधर वाला पक्ष। आपको वापस क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग का मतलब वापस वही स्क्वायर करना है, यानी कि एक बार तो आप लिखोगे अंडर रूट तीन क्यू का स्क्वायर और इधर आपको लिखना है तीन ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से क्या करना है, गुणा। तो जैसा कि हमने अभी अंडर रूट तीन को अंडर रूट तीन से गुणा किया था तो कितना आया था, तीन, और क्यू का स्क्वायर क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर, और इधर तीन का स्क्वायर क्या बनेगा, नौ,
और ए का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। अब आपको यहां पर 9 को बाहर लेना है तो 9 गुणा में करा करके भाग में बदल जाएगा, यानी कि 3q स्क्वायर बटा 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 3 काटेगा 9 को, तो ऐसा होने पर आपके पास आंसर आएगा q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के अब आपने यहां पर आकर के ये कह दिया कि q स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है। विभाजित का मतलब कि q स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है। तो अगर q स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, यानी कि q में भी 3 का भाग जाएगा। तो जैसा कि हमने यहां पर जो पहले जो हमने इस सवाल को हल करने का उद्देश्य बनाया था वो ये बनाया था कि हमारी मान्यता के अनुसार तो हमने ये कहा था कि p और q में केवल किसका भाग जाता है, 1 का। लेकिन आपने इन दोनों बातों को गलत साबित कर दिया है। यहां तो आपने ये कह दिया कि p में किसका भाग जा रहा है, 3 का, और यहां आकर के आपने ये कह दिया कि q में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का। तो जैसा कि हमारी दोनों बातें क्या हो गई, गलत हो गई। और अब आपको यहां पर ये लिखना है कि हमारी मान्यता के अनुसार P व Q में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। ये वाली जो मान्यता थी वो कहां से आई थी, ऊपर से, क्योंकि हमने यही बात ऊपर भी लिखा की है। तो हमारी मान्यता क्या कहती है कि P और Q में केवल किसका भाग जाएगा, 1 का। लेकिन यहां P व Q दोनों 3 से क्या है, विभाजित है। लेकिन यहां इस प्रश्न में क्या हुआ कि P और Q दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। इसलिए हमारी सारी बातें गलत होने के कारण हम ये कह सकते हैं अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी के साथ आपकी ये वाली बात प्रमाणित हो जाती है। अब यहां पर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अंडर रूट 2 या अंडर रूट 5 या अंडर रूट 7 को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, केवल संख्या चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ वो का वही रहेगा। माना अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अंडर रूट 5 को हल करना चाहें तो आपको क्या करना है, प्रश्न तो ये लिखा हुआ आएगा कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जहां जहां पर भी मैंने 3 का प्रयोग किया है वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है, 5 का। यानी कि माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर ये सारी बातें वैसे की वैसी रहेंगी। यहां हो जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 5 5 5 5 और 5, यहां पर भी 5 और 5 हो जाएगा, फिर वापस 5 और 5 आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 का तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 का कितना हो जाएगा, 25। तो यहां जिस प्रकार आपने 3 बटा 9 किया है तो मुझे करना आपको करना पड़ेगा 5 बटा 25। तो 5 और 25 कटेंगे तो बटे में 5, वापस 5, 5, और ये सब कुछ वैसा का वैसा ही, केवल यहां 5 होकर के अब आप ये कह सकते हो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज के हमने इस वीडियो में जो देखा वो ये देखा कि जिन संख्याओं के साथ में अंडर रूट का चिन्ह होता है ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और इस वीडियो में हमने नॉर्मल अंडर रूट वाली संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना सीखा है। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के जो दूसरा प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे, जहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर दोनों साथ दे दे तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपको यहां पर आज का जो टॉपिक है उसमें हमने जो सीखा वो केवल नॉर्मल अंडर रूट वाली संख्याओं को हल करना सीखा। इसी के साथ धन्यवाद।